हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निशुल्क चिकित्सा शिविर में 70 लोगों की जांच आबू रोड। नया खेड़ा में DHS हॉस्पिटल अहमदाबाद द्वारा निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजित किया गया, जिसमें 70 लोगों की जांच की गई। नया खेड़ा साई मेडिकल पर आयोजित शिविर में पार्षद गायत्री माली व आकाश माली ने उद्घाटन किया। समाज सेवी माली द्वारा डॉक्टरों का स्वागत किया गया। अहमदाबाद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हार्दिक, डॉक्टर अनुराग दवे, डॉक्टर स्मित शाह ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। चिकित्सक दवे ने बताया कि क्षेत्र में शुगर व ऑर्थोपेडिक के रोगी ज्यादा सामने आ रहे हैं। आकाशवाणी के अनुसार कोरोना काल में लोग बीमार पड़े, आर्थिक स्थिति खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के तहत साई मेडिकल द्वारा निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। सुरेश जोशी द्वारा निशुल्क कैंप का आयोजन में सहयोग किया गया। पंचायत समिति सदस्य देवाराम, संजय सैनी, राहुल लखारा, कैलाश कुमार आदि समाज से भी मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अहमदाबाद के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग दवे, इन्होंने ये कहा, अभी हम आबू रोड में DHS हॉस्पिटल अहमदाबाद से आए थे, तो बहुत सारे जो कोविड हुआ तो टू ईयर का गैप रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट है ओल्ड एज वाले जो अहमदाबाद में ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाए, तो उनके लिए हम यहाँ अहमदाबाद में आए। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारा कोविड के कारण ज़्यादा चलना फिरना बंद हो गया लोगों का, तो नी का प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज़्यादा शुरू हुआ है ऐसा देखने को मिला है। प्लस जो डायबिटिक पेशेंट है उनको फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि हाथ जो होता है अपना शोल्डर का गंदा, उसमें मूवमेंट कम हो जाता है। तो डायबिटिक ज़्यादातर लोगों में डायबिटिक अनकंट्रोल के कारण फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट भी ज़्यादा देखने को मिले हैं, और इसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे चेक करने के लिए आए हैं। और नी रिप्लेसमेंट अगर किसी को रियली प्रॉब्लम है, Grade 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो हमने उसको नी रिप्लेसमेंट का भी एडवाइस किया है। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।